हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासिटी बुक्स यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के सॉल्ट पेपर से हम प्रैक्टिस बुक लेकर आए हैं, जो आपके राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें लगभग 23 सॉल्ट पेपर्स और प्रैक्टिस बुक आपको मिलने वाली है। कुछ इसमें आपको यहाँ पे मैं अभी डिटेल्स बता दूंगा, एक एक पेपर का रिव्यू मैं करके बता दूंगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर का, कॉलेज लेक्चरर का एक एक पेपर। इसके अलावा अन्य स्टेट के भी हमारे पास हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर रहने वाले हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस बुक भी आपकी यहाँ पे दी गई है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो जो प्रिंट प्राइस है 250 रुपये है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 336 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस प्रिंट प्राइस पे अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम जो लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप इसे परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एड्रेस भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर 7518340504, वहाँ से भी इस बुक को डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। हमारे पास NTA UGC नेट की बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके कंपलसरी पेपर हैं वो मिल जाएंगे, आपको पेपर वाइज, चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर्स वो मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज जिसमें आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, इतिहास, भूगोल, हिंदी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, इंग्लिश, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, योग, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लाइफ साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एंड ला का स्पेशल यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकीय डिग्री कॉलेज के पेपर्स विथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। इस बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बुक्स का रिव्यू हम कर चुके हैं, वो आप हमारी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बात करते हैं कौन कौन सा पेपर इस बुक में आपको सॉल्व दिया गया है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको पहले सिलेबस मिलेगा, अभी कुछ देर में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा 2016-2014 का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसके अलावा आपका राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी का 2017-2013-2012 के पेपर्स रहने वाले हैं। फिर आपको राजस्थान लेक्चरर का दो पेपर मिल जाएगा 2014 का। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 2014 का, छत्तीसगढ़ 2016 का, छत्तीसगढ़ 2019 का, तीन पेपर छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2017 का, उत्तराखंड 2017 का और हरियाणा 2019 का पेपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो शुरू में हम उत्तर प्रदेश की दो पेपर्स आपको दिखाने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपकी 10 रहने वाली है विद डिटेल सोल्यूशन, वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे। 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे टोटल दिए गए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जियोग्राफी का सिलेबस है यूपी हायर एजुकेशन का सर्विस कमीशन का, जिसमें आपके जियोमॉर्फोलॉजी है, इसके अलावा आपका क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, इसके अलावा आपका जियोग्राफी थॉट, पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, 7 नंबर में आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी और कल्चरल जियोग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 टॉपिक में, और लास्ट में आपको एक कार्टोग्राफी यहाँ पे मिलने वाला है, और रिमोट सेंसिंग एंड GIS यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC का यहाँ पर सिलेबस है। इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, एनवायरमेंट है, बायो जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल थॉट यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, 9 टॉपिक जो आपको दिया गया है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, सोशल जियोग्राफी है, कल्चरल जियोग्राफी, रीजनल प्लानिंग है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, और इसके अलावा कार्टोग्राफी यहाँ पे दिया गया है। इसमें स्टैटिकल मेथड्स भी सारे चीज दिए गए हैं। तो ये GDSA का सिलेबस हो गया, और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस यहाँ पे डिटेल से दे दिया गया है। पेपर हम पहले बताते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल में। तो व्याख्या सही हल दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, सागर तल प्रसरण, पूरा चुंबकत्व या महाद्वीपीय विस्थापन। तो कौन सा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन नहीं है, ए ऑप्शन होगा। ऐसे यहाँ पे डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन दिया गया, आंसर के साथ साथ डिटेल सोल्यूशन भी आपको सारी चीज को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, डिटेल के साथ यहाँ मिल जाएगा। पवन क्या है, उर्मिकाएं है, हिमानी अपोड़ है, भूमिगत जल चूर्णकूट है, प्रवाहित जल जल गर्तिकाएं का निर्माण करती हैं। तो ये स्थलाकृतियां क्या क्या बनती है, वो आपको यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इस पेज में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं।
तो टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 70 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये पेपर चल रहा था। अब यहाँ पे 2014 का पेपर स्टार्ट होगा जो 22 मार्च 2015 को हुआ था, इसमें भी आपको 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। जहाँ जरूरत पड़ी है आपको फिगर्स वगैरह भी दिखा दिए गए हैं, डाटा इंपॉर्टेंट दे दिया गया है डिटेल के साथ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जियोग्राफी 2013 का लेक्चरर का पेपर मिलने वाला है कॉलेज प्रवक्ता का, ये 27 दिसंबर 2014 का हुआ था। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है, दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण पूर्व चीन, मध्य अमेरिका या पूर्वी अर्जेंटीना। तो मध्य अमेरिका में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे डिटेल क्या लिखा हुआ है, गर्म शीतोष्ण जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय भागों से 30 डिग्री कभी कभी 25 से 45 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है और औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में ठंड पड़ जाती है तथा औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये यहाँ पे डिटेल ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आपको एक इसमें जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपको मिल जाएगा 160 टोटल। यहाँ पे आपके यहाँ पे पेपर जो समाप्त होते हैं 120 यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नया पेपर स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का राजकीय डिग्री प्रवक्ता का 2012 का, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें भी आपके 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल के साथ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला पेपर है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का लेक्चर का पेपर स्टार्ट होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा दे रहा हूँ, ये आपके शॉर्ट पेपर है हरियाणा का है। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया, होमर, एनैक्सिमेंडर, हिप्पोक्रेट्स या टॉलमी ने किया था। तो चार ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, ऑप्शन आपको सभी टिक करना है और लास्ट में यहाँ पे आपको आंसर की दी गई है, 70 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पे दी गई है, मैच करवानी है। मैच करवाने के बाद जो क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट हैं या रॉन्ग हो गए उसके लिए डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 10 पेपर दिए गए हैं, सभी आप प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करिएगा, उसके पहले आप प्रीवियस ईयर जो हमने पेपर दिया है उसको भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और भूगोल के अलावा किसी और सब्जेक्ट का रिव्यू चाहते हो कमेंट करके बता दीजिएगा, जल्दी हम न्यू रिव्यू लेकर आने वाले हैं। वैसे इन सभी बुक का रिव्यू हो चुका है और जल्दी हम और नए रिव्यू लेकर आएंगे और सारे बुक्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। कोई नई बुक या सब्जेक्ट का रिव्यू चाहते हैं या किसी कोई कंप्लेन होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7518340504 पर। थैंक यू गाइज़।